नाना जी के साथ हैं और साथ रहेंगे, तन मन से योग बिल्कुल चीज से, हर एक चीज से नाना जी, राणा जी कार्य कर बढ़िया काम करते हैं, राणा जी अच्छे आदमी हैं, अच्छा इनका व्यवहार है, तभी तो राणा जी का नाम जुड़ा हुआ, तभी हम राणा जी के साथ जुड़े हैं। देखो जो मामला है फिलहाल तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी का कैंडिडेट हमारी वंदना जी हैं और उनको चुनाव जीतना है और चुनाव जीत रही हैं, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। तो पार्टी के साथ जो मुस्लिम वोटर होता है वो थोड़ा कटता है, अब निर्दलीय चुनाव ना होके भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम वोट इन्हें मिल पाएगा, यहाँ से मुस्लिम वोट मिल पाएगा, सामाजिक आदमी है इस वजह से मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आपको हम बताएं अभी हम जो है नगला इमरती में, आपको बताएं नगला इमरती में जुरासी जबरदस्तपुर 29 वार्ड नंबर की जुरासी जबरदस्तपुर की जो जिला पंचायत की सीट है उसके जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं वंदना राणा और वो बता दें पुत्र वधु अशोक राणा की वो पुत्र वधु हैं और यहाँ पर आज आपको बताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हैं, भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित हैं और हमारे साथ जो क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद फरमान जी हैं, उनसे हम बात कर लेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर आज भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है वंदना राणा के समर्थन में। ये बढ़िया कैंडिडेट है, काम कराने वाले आदमी हैं, काम कराने वाले आदमी, इसी वजह से हम इन्हें वोट देंगे। अच्छा, वोट मिलेगी नहीं इस बार यहाँ से, पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, ये 10 दिन के अंदर 1750 वोट ले गए थे, आपको तो ये पार्टी से हो तो जीत के कैंडिडेट है, बस अल्लाह जो चाहे वो होगा। निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुस्लिम वोटर होता है वो थोड़ा कटता है, अब निर्दलीय चुनाव ना होके भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम वोट इन्हें मिल पाएगा, यहाँ से मुस्लिम वोट मिल पाएगा, सामाजिक आदमी है इस वजह से मिलेगा, सामाजिक आदमी मिल पाएगा। हाँ, काम करा देते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम इन्होंने क्षेत्र में कराया है जिसकी वजह से यहाँ से इन्हें मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे? ये यहाँ के समाज सेविक आदमी है, कोई भी लोग इनके पास जाता है उनकी मदद करता है, मदद के लिए कभी ये पीछे नहीं हटते, हर आदमी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे क्षेत्र के, बाहुबली भी हैं और ईमानदार भी हैं, समझदार भी हैं। अच्छा, बाहुबली भी हैं, ईमानदार हैं। अच्छा, बाहुबली नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, अभी आपने बताया बाहुबली हैं तो लोग कह रहे हैं कि बाहुबली भी हैं, चलो निकल जाते हैं मुँह से कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फारूक अली जी हैं इनका क्या हिसाब रहेगा? देखो जो मामला है फिलहाल तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी का कैंडिडेट हमारी वंदना जी हैं और उनको चुनाव जीतना है और चुनाव जीत रही हैं, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। क्यों, सही कह रहे फारूक जी का तो हिसाब रहेगा ही नहीं कह रहे? ऐसा है, फारूक का इनका जो है आमने सामने का इलेक्शन है, अब ये कुदरत जाने कौन सा हो जा, लेकिन इलेक्शन उसका भी बढ़िया है, इनका भी जानदार है, तो कह रहे फाइट है देखने वाली, देखो जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, लेकिन अभी तक तो जो बात अगर देखी जाए तो वंदना राणा का चुनाव बहुत ही खास माना जा रहा है। हमारे साथ क्षेत्र के और भी लोग हैं, सीट के अंतर्गत ना तो उनका गांव आता है ना यहाँ के वोटर है, लेकिन फिर भी अशोक राणा की जो पुत्र वधु है वंदना राणा, उनके समर्थन में आज उनके कार्यालय के उद्घाटन पहुंचे हैं शहजाद जी। जी, चेयरमैन। अच्छा, आपका क्या नाम था? शहजाद चेयरमैन। शहजाद चेयरमैन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है? जीत होगी जी, निश्चित जीत है जी, और ये मेरे दोस्त हैं सचिन त्यागी नगला इमरती से, इन्हीं की वजह से मैं अशोक राणा जी का समर्थन करता हूँ। अशोक राणा के अंदर लोग बता रहे भाई समाज सेविक व्यक्ति है तो उसी कारण से इनको यहाँ पे इस बार जीत मिल पाएगी, लेकिन पिछली बार का जिला पंचायत चुनाव देखा जाए निर्दलीय चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो इस बार का चुनाव में पिछली बार के चुनाव में क्या अंतर रहेगा सर? भाई साहब ऐसा है, पिछली बार निर्दलीय चुनाव था, पिछली बार निर्दलीय चुनाव था, इस बार पार्टी से है तो पार्टी की भी, ये मानो आपकी पिछली बार 2200 के आसपास वोट पार्टी को यहाँ मिली थी, 1800 वोट लगभग राणा जी को निर्दलीय मिली थी, अगर आप उसको ही प्लस कर लेते हैं तो वो वोट तो बराबर आज भी हमारे पास हैं, तो मेरा अपना अनुमान है कि लगभग 3500 वोट राणा जी को मिलेगी। अच्छा, अगर देखा जाए कि 5 सालों में कुछ काम इन्होंने ऐसे सामाजिक तौर पर ऐसे क्या काम करे, 2-3 काम पता नहीं। राणा जी तो देखो जब इलेक्शन निर्दलीय हारे थे, निर्दलीय इलेक्शन हारने के बाद राणा जी रेगुलर लोगों की सेवा में हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई साहब, विधानसभा में हमारे गांव से लगभग मुस्लिम वोट 250 वोट मुस्लिम पन्नौजी पाई है, भाजपा पे आई हैं, इस बार देवरानी जी को मिली है मुस्लिम वोट 250 यहाँ से, और मेरा अनुमान है कि जो इमरती गांव से 250 वोट, हाँ मुस्लिम वोट गई है, और मैं आपसे बताऊं इस बार राणा जी को यहाँ से 500 से ऊपर वोट मिलेगी मुस्लिम, 500 से ऊपर वोट है इस गाँव में मुस्लिम, यहाँ लगभग भाई साहब टोटल तो है 4400 के आसपास वोट,
4400 में से 2500 के आसपास मुस्लिम वोट हैं यहाँ, और 2500 में से मेरा मानना है कि 500 के आसपास वोट राणा जी को यहाँ मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, निश्चित 600 भी हो सकते हैं, हाँ मैं निश्चित मिलेंगे निश्चित जी। पार्टी के साथ में है ना? पक्का जी, पक्का इंशाल्लाह मिलेगी वोट यहाँ से। हाँ वोट। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद राशिद नाम। कहाँ के रहने वाले? नवलाई मरती। यहीं के जी। और ये फारूक भाई का क्या रहेगा जी? फारूक भाई भी लड़े हुए हैं, वे भी हैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जो है हम पार्टी के साथ में हैं। पार्टी भाजपा जी, भाजपा के जी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिलो जान से। सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे जी, ये पक्के कार्यकर्ता। क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम है महिपाल गिरी, नादौने के रहने वाले हैं। मैं समीर भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, राणा जी का समर्थक हूँ। भारी बहुमतों से राणा जी जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। ऐसा क्या करा यहाँ पर राणा जी ने जो बहुत लोग उनके प्रशंसक? ने बहुत कुछ किया राणा जी ने, बहुत कुछ किया। और ये करेंगे राणा जी ने? देखो राणा जी जब जीत आएंगे तो काम करेंगे जरूर। और राणा जी भी इस बार पार्टी कहेंगे जब करेंगे, उससे पहले लोग कह रहे बहुत काम। पहले लोगों के साथ में जुड़े रहे ना अब तक राणा जी। राणा जी क्या है, क्षेत्र में रहते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। जिस जब भी हमें किसी मामले में जरूरत पड़ती है, बाकी लोग कहाँ रहे? सामने आते हैं। बाकी कहाँ रहे? बाकी लोगों से भी जब उनसे मिले नहीं तो हम उन्हें पता है कहाँ रहे हुए। आप राणा जी को देख रहे हैं? राणा जी को देख रहे हैं, राणा जी हमारे साथ है। ठीक है, हम राणा जी के समर्थक है, पक्के तन मन से राणा जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। तन मन से ही होगा? बिल्कुल, हरेक चीज से राणा जी। राणा जी कार्य कर बढ़िया काम करते हैं, राणा जी अच्छे आदमी हैं, अच्छा इनका व्यवहार है, तभी तो राणा जी का नाम जुड़ा हुआ, तभी हम राणा जी के साथ जुड़े हैं। अरे कोई वो कह रहा है पिछली बार बनाया गया था, अब क्यों नहीं होता है? सभी कह रहे हैं। कौन कह रहा? लोग कह रहे पीछे। कोई नहीं कह रहा। अच्छा। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हाँ। राणा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। कह रहे उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए वो गलत प्रचार कर रहे हैं। राणा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। और मेरे साथ के और भी खड़े, ये पूछ कर देखो राणा जी के बारे में। सही कह रहे हो।